कोरिया जिले के डुभापानी पंचायत में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि पहाड़ी नदी में मछली पकड़ने के लिए ये गया था। वहीं गांव वालों को नदी में एक व्यक्ति की लाश दिखी जो कि रामकिशन की थी, जिसकी सूचना बैकुंठपुर थाने में सरपंच को द्वारा पुलिस को दी गई और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दूसरा व्यक्ति का भी अभी कोई पता नहीं चला है, जिसकी तलाश जारी है। सुबह कहाँ मिली इनकी लाश? उनकी लाश मिली डूबा पानी में, डूबा पानी में मतलब कुर्चा डांड में, क्या तालाब में, नदी में, नदी में मिला था। एक का लाश मिला है, एक का नहीं पता वो कहाँ गया, नहीं उसका मालूम कि वो कहाँ गया, उसको भी खोज रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में ढूंढ रहे थे। आज सुबह जब देखे तो रामकिशुन की बॉडी वहां पे नदी में तैरती हुई मिली, जिसकी सूचना गांव वाले देने आए हुए थे। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से टीम भेजी जांच के लिए, मर्ग जांच पे वहाँ पे पंचनामा वगैरह बनाया गया। अभी बॉडी को पीएम के लिए लाया गया है। दूसरा आदमी जो है जगबंधन, उसका पता नहीं चल रहा है, जिसके लिए टीम रवाना की गई है। आसपास के क्षेत्रों में पता साजी की जा रही है, जैसे ही पता चलेगा आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर आज शुक्रवार को सुबह रामकिशन का लाश हुई नदी में, कोरचाडांड धनकुट्टी नाला में नदी में मिला है, और एक एक जगबंधन को का पता नहीं चल रहा है अभी तक। अभी